और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई है। चटगांव से तस्वीरें सामने आई है जहां पर हिंदुओं को बेरहमी से पीटा गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये वीडियो अब सामने आया है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। कई हिंदुओं को यहां पर बुरी तरह से पीटा गया है, जख्मी हुए हैं। बांग्लादेशी पुलिस और सेना के जवानों ने हिंदुओं को घरों में घुसकर मारपीट यहां पर उनसे करते हुए नजर आए। दरअसल बांग्लादेश के चटगांव में एक मुस्लिम ने इस्कॉन मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ किया गया था। इसके बाद बांग्लादेश आर्मी और पुलिस ने हिंदुओं को ही वहां पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो आप देखिए, जिन्हें सुरक्षा देना था वो सुरक्षित नहीं रख के उल्टा यहां पर मारपीट करते हुए नजर आए, रक्षक ही यहां पर भक्षक बनते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को आप देखिए, मंदिर को यहां पर टारगेट किया गया और उसके बाद यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था लगातार। उसके बाद पुलिस से कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि आप देखिए किस तरह से लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, और उसके बाद लोगों का ये कहना था कि पुलिस इसी के साथ साथ बांग्लादेश की सेना जो है वो उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। सेना और पुलिस यहां पर आप देखिए कैसे हिंदुओं को निशाना बना रही है, आपको एक नहीं दो नहीं अलग अलग कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके बाद बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस ने हिंदुओं को निशाना बनाया। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रमोद का। प्रमोद, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में सरकार बदल गई लेकिन हिंदुओं के हालात नहीं बदले हैं। हाँ, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो हिंसा का शिकार हो रहे हैं। अब तक जो कट्टरपंथी थे वो हिंदुओं पर अटैक कर रहे थे, लेकिन पहली बार तस्वीरें आई जिन्होंने झकझोर दिया और हिंदुओं में चिंता बढ़ गई। चिंता इस कदर बढ़ी है हिंदुओं के बीच में क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका से तकरीबन 250 किलोमीटर से दूर चटगांव की हैं, जहां पर रात के अंधेरे में बांग्लादेश आर्मी और पुलिस ने हिंदुओं को बर्बरतापूर्ण पीटा है और जहां पर मारपीट तोड़फोड़ की गई है। और जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था तब इन सुरक्षा जवानों ने वहां पर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे फोड़ दिए। प्रमोद, यहाँ पर मंदिर को निशाना बनाया गया और उसके बाद ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि कम से कम हमारी जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई है उसको तो सुरक्षित रखिए, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको बचाने के बजाय पुलिस और सेना जिनको रक्षा करनी चाहिए वही भक्षक बने हुए नजर आ रहे हैं, कैसे इसको हम देखें? एग्जैक्टली, बांग्लादेश में वही हो रहा है, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही भक्षक बनते नजर आ रहे हैं। हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं, हिंदुओं को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जी न्यूज ने भी वहां की तस्वीर दिखाई थी जहां तक कोई नहीं पहुंचा, मेहरपुर से लेकर जहां पर मंदिर को तोड़ा गया किस्तिया, जी न्यूज ने रिपोर्ट दिखाई थी, ढाका के मंदिरों की दिखाई थी। जो हिंदू सरकारी नौकरी किया करते थे उनकी नौकरी छीन ली गई है। हिंदुओं का रहना बांग्लादेश में दूभर हो गया है, वहां पर ह्यूमन राइट्स ऐसे लगता है दम तोड़ गया है दिन दहाड़े। और आप जिन पर बांग्लादेश की शांति अमन कायम करने की जिम्मेदारी है सेना और पुलिस, वही खुलेआम कट्टरपंथियों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत वहां से हुई जहां पर चटगांव में एक मुस्लिम युवक सोशल मीडिया पर खुलेआम भगवान कृष्ण और इस्कॉन टेम्पल को लेकर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट करता है। इसके बाद हिंदू प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट से जो कट्टरपंथी हैं वो और इसी मानसिकता वाले बांग्लादेश के जो आर्मी और पुलिस जवान हैं वो इस कदर भड़क गए कि हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, कई हिंदुओं को अरेस्ट भी किया गया है। और ये बर्बरतापूर्ण तस्वीरें हैं, ये बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है, जो करता धरता है वो क्या सो रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में जो मानवाधिकार है वो बचा नहीं है रत्तीमात, हिंदुओं को इस कदर पीटा जा रहा है। तस्वीरें यदि आप देखेंगे, बिल्कुल प्रमोद, और आपने तो ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर बांग्लादेश से हमें तब भी दिखाई थी और अभी तमाम जानकारी दे रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। इन सब के बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधानसभा चुनाव में जारी बयानों की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब विपक्षी नेताओं का पलटवार भी जारी है। आपको बता दें योगी को अब इन्होंने जवाब दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, 11 साल पहले ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर बात अदालत तक पहुंच गई थी। तो अकबरुद्दीन ओवैसी का इशारों में बयान, अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए, न वो मेरा पीछा छोड़ रही है न मैं उसका। अकबरुद्दीन ने दिलाई पुराने भाषण की याद। तो आपको बता दे देखिए इस पूरे मामले पर किस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई और इन सबके बीच अकबरुद्दीन का ये बड़ा बयान। वही अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीती शाम अपना भाषण शुरू करने से पहले कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है और अपने पुराने विवादित बयान की याद दिला दी। वहीं योगी का कहना है कि विपक्षी लोग घंटी और शंख पर भी पाबंदी लगाने की मंशा रखते हैं।
9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। बहन और भाइयों, अभी तो हाल ये है, और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। अब इस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे मुल्क कमजोर होगा। ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। बांटिए मत जातियों में, ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखलियत से क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? और अब हम आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का साल 2022 का वो विवादित बयान बताते हैं, जिसको लेकर अदालती लड़ाई चली थी। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी को बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिला था और उन्हें तुरंत राहत मिल गई थी। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। ये 4 करोड़ शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। Zee News.